फ्रेंड्स, अभी मैंगो का सीज़न है तो मैं आज आपके साथ बहुत ही यूजफुल टिप्स शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपके पास मैंगो आते हैं और उनको आपको पकाना है तो आप कैसे उन्हें पकाएंगे और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे मैंगो एक से पक जाएं अच्छे से। तो मैं यहाँ पे दो टिप्स शेयर करूँगी, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे मैंने इस पकाया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पका हुआ है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ टिप्स को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूँ। तो चलिए आज की रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंगो को पकाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो भी मैंगो हैं, कुछ मैंगो होते हैं कि अधपके होते हैं तो, और कुछ आधे पक जाते हैं, आधे नहीं पके होते। तो हमें क्या करना, आप देख सकते हैं ये मैंगो मैंने अपने घर पे ही इसको पकाया है। इसमें कोई भी पकाने वाला चीज़ नहीं डाला था, जो ट्रिक्स है उसी से मैंने किया था। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे मैंगो थे तो वो आधे पके थे आधा कच्चे थे। तो उसको मैंने क्या किया है, जो बॉक्स था उसी बॉक्स के अंदर मैंने ये पेपर बिछाया है, आप देख सकते हैं। और ये आम आप देख सकते हैं आधा पका है और आधा कच्चा है। मैं आपको दबा के भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी दब नहीं रहा है, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं दब रहा है और कच्चा है। तो इसको हमने क्या करना है, पेपर के अंदर अंदर लपेटना है। तो पेपर हम लेंगे, उसके अंदर अच्छे से हम इसको लपेट देंगे और उसके बाद लपेटने के बाद इसको हमें बॉक्स के अंदर रख देना है। इस तरह से हम इसे लपेट देंगे, आप जैसे चाहे उसे फोल्ड करके पेपर में अच्छे से लपेट सकते हैं। उसके बाद जितने भी आपके कच्चे आम हैं सबको आप उस पेपर के अंदर लपेट दीजिए और उसके बाद आप उसको बॉक्स के अंदर रख दीजिए। जब आप बॉक्स के अंदर रख देंगे इस तरह से, तो ये पहला टिप है। तो इसको आप फॉलो करेंगे और तो आपके मैंगो अच्छे से और बहुत एक जैसे पकेंगे बिल्कुल। तो इसको हमें पकने में इसको 2 दिन लग सकता है, 3 दिन लग सकता है। और उसके बाद आप इसको चाहें तो, जैसे गेहूं होता है तो आप गेहूं में भी इसको दबा के रख सकते हैं, उससे भी पक जाते हैं। और यहाँ पे जो ये एक दूसरा टिप्स है, और जिसमें क्या है कि हमें मैंगो रखने हैं, मैंगो के बीच में हमें ऑनियन रख देना है, उससे भी हमारे मैंगो बहुत जल्दी पक जाते हैं क्योंकि ओनियन की तासीर भी गर्म होती है तो उससे भी पक जाते हैं। फिर उसके बाद हमें रखने के बाद ऊपर से पेपर रख देना है, पेपर से कवर करने के बाद बॉक्स को बंद कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बॉक्स को बंद कर दिया है। बंद करने के बाद इसको 2 से 3 दिन हम रख देंगे और बीच में हम एक बार चेक भी कर लेंगे। तो अभी हमने इसको ओपन कर लिया है, तो अब आपको मैं दिखाती हूँ इसको ओपन करके। तो यहाँ पे मैं ओपन कर रही हूँ, आप देख लीजिए जब हमने रखा था तो ये कितना हरा था, बिल्कुल दब नहीं रहा था। तो ये 2 दिन में हो गया है, अभी देख सकते हैं आप, मैंने दबा के आपको दिखा रही हूँ, जो हरा पार्ट है वो भी अच्छे से दब गया है। तो आप देख सकते हैं ये दबे का निशान भी आपको दिख रहा है। तो हम कितनी आसानी से बिना किसी भी पकाने वाले जो कार्बन आते हैं उसकी हेल्प के बगैर भी हम अपने इस मैंगो को पका सकते हैं। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इतना नुकसानदायक भी होते हैं। तो जो ये मैंगो हैं ये तो बिल्कुल डाल के टूटे हुए थे और इसमें कोई भी कार्बन का यूज़ नहीं किया गया है और बहुत अच्छे से हमने घर में ही इसको अच्छे से पकाए, काफ़ी कच्चे ही आए थे तो हमने इसको पका लिया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपकी कितनी हेल्प हुई वो भी बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी किसी के पास इस टाइप से मैंगो आए तो वो भी इसको इस तरह से पका सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स, लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है और हम मोटिवेट होते हैं लाइक जब हमें मिलता है। तो फ्रेंड्स, एक वीडियो और मैं लाने वाली हूँ मैंगो की, जिसको कि मैंगो को हम स्टोर करके 1 साल तक रख सकते हैं और उसको 1 साल तक हम पूरे साल मैंगो का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।